हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रंजना अपने व्लॉग चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आप लोगों की अच्छी सेहत की कामना करती हूँ। देखिए मेरे पूरे बॉडी में कितना ज़्यादा पसीना है और पंखा लगातार चल रहा है तभी पसीना रुक नहीं रहा है। इचिंग के वजह से देखिए रैशेस भी पड़ गया है, इतनी ज़्यादा गर्म है। ये मॉर्निंग का टाइम है, सुबह 7 बज रहा है तब का ये टाइम है और देखिए पसीना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। स्कूल जाने का टाइम हो रहा है, मैंने वाइट कपड़े आज निकाल लिए हैं क्योंकि मंडे को है, मोस्टली लोग वाइट कपड़े पहनते हैं तो वो भी मैंने निकाल लिया है आज का, क्योंकि मॉर्निंग में ये मैं पहनूंगी। और क्योंकि अब आज बहुत दिनों बाद स्कूल खुला हुआ है तो फिर मुझे लंच पहले ही बना लेना पड़ेगा मॉर्निंग में ही, तो मैंने आटे को एक गूंद लिया है और रोटी वगैरह मैं बना के ही जाऊँगी। आटे को जो मसल के बना लो तो रोटियां बहुत सॉफ्ट रहती हैं अगर ऐसे, वरना बहुत ज़्यादा टाइट बनी रहती हैं रोटियां। तो फिर मैंने अच्छा सा डो लगाया है, इसको बहुत ज़्यादा मसल के जब बना देते हैं तो फिर रोटियां जो है बहुत सॉफ्ट बनती हैं और लॉन्ग टाइम के लिए ही वो सॉफ्ट रहती हैं। तो इसमें थोड़ी मेहनत ज़रूर लगती है लेकिन इसको जब बनाइए तो फिर बहुत बढ़िया से बनती हैं, तो कि खाने में भी इंटरेस्ट आता है कि हाँ बहुत अच्छी सॉफ्ट रोटियां। तो क्योंकि बच्चे हैं जो भी घर पर रुकेगा वो दोपहर में ही ये लंच करेगा क्योंकि मॉर्निंग में कोई नहीं खाता है, तो इसके लिए अच्छा सा डो बनाना होना चाहिए और उसको अच्छे से मसल के रख लेना चाहिए। इसीलिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा मैश किया है ताकि रोटियां जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने। और ये मेरा डो रेडी हो गया है और इसके बाद मैं हैंड वॉश करूँगा। गर्मी से तो हालत बेहाल है भाई, इतनी ज़्यादा गर्म लग रही है कि बस लग रहा है कि कैसे निकलूँ। चींटियों की एक मेरे किचन में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, ये है जो आपको दिखाई दे रहा है, शायद आप देख पा रहे हो, ये चींटियों की, ये लाल चींटियों ने तो इतना कहर मचा रखा है कि देखिए स्विचेस के पास से भी ये इतनी लाल चींटियां हैं। रोटियां बना लो उसमें चींटियां हो जाती हैं, चीनी में भी चींटियां। इसका कोई सलूशन हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा। देखिए पसीना रुकने का नाम नहीं ले रहा है, कितना ज़्यादा पसीना, 2 दिन से पसीना बहुत ज़्यादा गर्म पड़ गई तो पसीना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मैं अपने साथ में एक हैंकी रखती हूँ ताकि काम होता जाए और हैंकी से पोंछ लो, क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा होता है तो फिर खाना बनाने का भी मन नहीं करता है। तो रोटियों को मुझे आज थोड़ा ज़्यादा ही बनाना है, मैं फटाफट से बना ली क्योंकि स्कूल का भी टाइम देखते ही देखते हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि टाइम कब हो गया। मुझे बहुत सारी रोटीज भी बनानी है तो मैं फटाफट से रोटियां जब बेल के रेडी कर दूं क्योंकि उसके बाद मुझे रेडी भी होना है स्कूल जाने के लिए। थोड़ी देर बैठूंगी भी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा एकदम से लग जाती है तो फिर कोई काम फिर और दूसरा नहीं हो पाता है। तो ये तो हो गया, तो आज मैंने जो सब्ज़ी में है वो क्या बनाया है, वाओ मैंने बनाए हैं छोले। और ये अभी पका हुआ है इसलिए बहुत ज़्यादा पतला लग रहा है, थोड़ी देर बाद ये जब थोड़ा ठंडा हो जाता है तो ये थोड़ा सा ठीक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। और बहुत ज़्यादा अगर गाढ़ा भी रहता है तो चावल वावल नहीं खा पाता है, तो इसको मैंने निकाल लिया है अपने लंच बॉक्स में। थोड़ा ही सा निकालूंगी क्योंकि ज़्यादा खाने का मन नहीं करता है बाहर, थोड़ा मैंने निकाल लिया इसको ताकि ये ठंडा हो जाए, क्योंकि एक दो बार मैं अपने पर्स में ले गई थी, थोड़ा भी गर्म होता है तो ओपन हो जाता है, मेरा पूरा बैग उस टाइम पूरा ख़राब हो गया था। तो इसको मैं बाहर रख देती हूँ रूम में ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, और क्योंकि फ़ैन चल रहा है लगातार और कूलर वगैरह भी चल रहा है तो इससे ये ठंडा हो जाएगा। तो इसको मैं बाहर रख देती हूँ, उसके बाद मैं बाकी काम करती हूँ। इतने दिन में स्कूल जाना हो रहा है तो बिल्कुल भी मॉर्निंग में मन नहीं कर रहा था स्कूल जाने का, लेकिन अब स्कूल तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि आज फर्स्ट डे है तो बहुत आलस आया। अब डे बाय डे ऐसे ही, अब छुट्टी नेक्स्ट ईयर ही मिलेगी और विंटर की मिलेगी 1 वीक की, तो आज तो फर्स्ट डे था तभी इतना आलस आ रहा है और बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा जाने का। और अब रोज़ यही रहेगा, गर्मी की वजह से कोई भी सुबह भी नहीं निकला है, इतनी गर्म है कि सुबह भी कोई नहीं निकला है। आधे लोग जो पूजा के लिए हैं बस वही हैं,
बाकी यहाँ अभी कोई भी नहीं निकला है, अभी बज रहा है 7:30। 7:30 तक का अभी टीचर्स का टाइम है, अभी जब तक बच्चे नहीं आ रहे, आज फर्स्ट डे है। देखिए कितनी देर में पहुँचते हैं स्कूल, आई होप कोई ना आया हो। सारी टीचर्स के पास तो गाड़ी है तो फटाफट से आ जाती है, मुझे ही दिक्कत होती है जाने में, मगर मैं भी टाइम से ही पहुंच जाती हूँ। चलिए मिलते हैं स्कूल के गेट में। इस बार की छुट्टी वाकई बिल्कुल बहुत अच्छी थी, गर्मी नहीं लगी इस बार मुझे। आप हमें देख लीजिए, गर्मी का प्रतीक बन गया है, इधर गर्मी नहीं लगी। मैम बहुत कम हो गया है, दवाई लिया है मैंने, जाड़े में सही रहता है, गर्मी में आपको बस इस बार पसीना अभी 2-3 दिन से बहुत आ रहा, नहीं तो रोटी बनाने में उतनी नहीं आ रहा था। वो ऐड नहीं है, वो ऐड नहीं है। ये मत किया करो। घूमने कहीं नहीं गए, अपना घर है सबसे प्यारा। और आप कहीं, आप भी नहीं कहीं गए? मैम घर से निकलना तो हमारे इतनी दूर, मेरा लड़का बीमार हो गया था ना मैम, एक हफ्ता जो है। क्या हो गया? डायरिया हो गया। अरे राम, जो दुकान खोले हैं जो? नहीं, अच्छा तो नहीं, अच्छा छोटा वाला। अच्छा, अभी क्लासरूम वगैरह सारे बिल्कुल खाली हैं, सफाई हो गई है, आई आंटी वगैरह आके क्लास वगैरह डेकोरेट कर, साफ़ कर दिए हैं, क्लीन कर दिए हैं, और बहुत ही अब साफ़ सफाई हो गई है। अब जैसे ही बच्चे आएंगे स्कूल में सब स्टार्ट हो जाएगा, फिर तो फुर्सत मिलना बहुत मुश्किल है। ये मेरा क्लास है, यहाँ पर भी साफ़ सफाई हो गई है, तो अब बस इंतज़ार है, तो बच्चों का ये वेट है, और बच्चे जब से आने लगेंगे फिर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। अभी टीचर्स को 1 वीक पहले ही बुला लिया जाता है, सभी स्कूलों में मोस्टली ऐसा होता है, और उसके बाद जो है क्लासेस स्टार्ट होती हैं बच्चों की। तो अभी पेपर वगैरह जो एग्ज़ाम होंगे यूनिट के, वो हम लोगों को प्रिपेयर करने होंगे, इसी ड्यूरेशन में हम लोगों को प्रिपेयर करने होते हैं, और फिर उसके बाद क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो बस वेट है बच्चों का। ओके गाइस, तो ये था बैक टू स्कूल, हम लोगों का फर्स्ट डे, जो हम लोगों का 24 को रीओपन होना था स्कूल, तो वो हम लोग आ गए हैं अब स्कूल में। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, पसीना रुक ही नहीं रहा है। तो अब हम लोग मिलेंगे दूसरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, न्यू व्यूवर्स हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और चलिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को जो भी देख रहे हैं वो लाइक कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा प्लीज़। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोगों की अच्छी सेहत की कामना करते हुए, सभी लोग मस्त रहें, खुशी रहें, और बहुत जल्दी सुहावना मौसम हो जाए। इसी के साथ अपना ब्लॉग का मैं एंड करती हूँ, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।